अहम खबर है कराची में बल्दियाती हुकूमत का कयाम। ऐसे में टाउन काउंसिल हॉल जिला शर्की में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने हलफ उठा लिया है। गुलशन टाउन की 7 यूसीज के 42 नौ मुंतखब अरकीन हैं जिनकी जानब से हलफ उठाया गया है। बात करेंगे, खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज एक बड़ा तारीखी दिन है और मुख्तलिफ बल्दियाती नुमाइंदे अपने अपने ओहदों का हलफ उठा रहे हैं। तो गुलशन टाउन की 7 यूसीज के 42 नौ मुंतखब अरकान ने अपना हलफ उठाया है। वाज़ेह है कि यहाँ से तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले किसी भी बल्दियाती नुमाइंदे ने हलफ नहीं उठाया और हलफ बजारी की तकरीब के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान के दरमियान जबरदस्त नारेबाजी भी देखने में आई और उसके बाद वो अरकान एक दूसरे से मुसाफा भी करते नजर आए, एक दूसरे से गले भी मिले और खैर सगाली के जो मुख्तलिफ जुमले होते हैं मुबारकबाद के, उसका भी तबादला किया गया। मुख्तलिफ बल्दियाती नुमाइंदे अपने अपने ओहदों का हलफ उठा रहे हैं। तो गुलशन टाउन की 7 यूसीज के 42 नौ मुंतखब अरकान ने अपना हलफ उठाया है। वाज़ेह है कि यहाँ से तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले किसी भी बल्दियाती नुमाइंदे ने हलफ नहीं उठाया और हलफ बजारी की तकरीब के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान के दरमियान जबरदस्त नारेबाजी भी देखने में आई और उसके बाद वो अरकान एक दूसरे से मुसाफा भी करते नजर आए, एक दूसरे से गले भी मिले और खैर सगाली के जो मुख्तलिफ जुमले होते हैं मुबारकबाद के, उसका भी तबादला किया गया। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका।